नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज़। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी चरण का चुनाव खत्म हो चुका, सभी पार्टियों की अग्नि परीक्षा का दिन खत्म हो गया। इसके बाद अब लोगों की निगाहें परिणाम पर टिक जाएंगी। जो भी पार्टी विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें जीतेंगी उसी की सरकार यूपी में बनेगी। अब तो ये वक्त ही बताएगा कि यूपी के सिंहासन पर कौन बैठेगा। और इससे पहले अब हम आपको बताते हैं कि राजनीति में सातवें चरण से क्यों बढ़ गई थी हलचल, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। सियासी सरगर्मियां और तेज हो गई हैं क्योंकि यूपी चुनाव का मतदान खत्म हो चुका है। राजनीतिज्ञों के राज क्षेत्र का फैसला आने वाला है। नेताओं के जहन की रफ्तार अब बढ़ चुकी है। सातवें चरण के नेताओं का भी भाग्य ईवीएम की भाग्यमय दुनिया में अब कैद हो गया है। अगर हम सातवें चरण के चुनाव की बात करें तो अम्बेडकर नगर से लेकर काशी तक के क्षेत्रों में सियासी सूरमाओं के भाग्य का फैसला भी जनता ने कर दिया है। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर मतदान होना है और 613 प्रत्याशियों की शाख दांव पर लगी है। अब देखना यह है कि जनता आखिर किसे जीत का सेहरा पहनाती है। चुनाव परिणाम आने से पहले हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे सियासी दिग्गजों के बारे में जिनका सूरज उनके विधानसभा में कई दशकों से अस्त नहीं हुआ। इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया का। राजा भैया वर्तमान समय में प्रतापगढ़ के कुंडा से विधायक है और पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। सरकार चाहे जिस पार्टी की रही हो, राजा भैया का बोलबाला कभी भी कम नहीं होता है। यूं तो राजा भैया का जुड़ाव राजघराने से है, मगर वो जनता से परिवार की तरह ही मिलते हैं। लोग बताते हैं कि राजा भैया कुंडा विधानसभा को अपना घर समझते हैं और यहाँ की जनता को परिवार। लोगों को इसका नतीजा भी देखने को मिलता है। यही वजह है कि 2 दशकों से ज्यादा के समय से राजा भैया वहाँ से विधायक हैं। आपको बता दें कि साल 1993 में राजा भैया ने पहली बार चुनाव जीता था। इसके बाद से सीट पर उनका लगातार कब्जा रहा है। इस बात की बात करें तो राजा भैया के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने कभी उनके करीबी रहे गुलशन यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। गुलशन यादव चुनाव मैदान में उतरने के बाद ही लगातार अपने बयानबाजी की वजह से प्रदेश भर में सुर्खियों में केंद्र बने हुए हैं। अब महज कुछ ही दिन के बाद चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में अब चुनाव परिणाम तय करेगा कि ये सीट किसके कब्जे में जाती है। इस सीट पर 1993 में उदय हुआ था राजा भैया का सूरज और अस्त होता है या फिर पहले की तरह लगातार चमकता रहेगा, ये 10 मार्च को तय हो जाएगा। इसी कड़ी में हम बात करेंगे आराधना मिश्रा मोना की। आराधना मिश्रा मोना प्रतापगढ़ जिले की रामपुर खास विधानसभा की वर्तमान विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी थी। रामपुर खास एक ऐसा किला है जिसपे पिछले कई दशकों से कांग्रेस का कब्जा रहा है। इस विधानसभा की बात करें तो यहां से पूर्व राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी 9 बार चुनाव जीत चुके हैं और एक विधानसभा एक दल एक निशान के साथ चुनाव जीतने के मामले में उन्होंने गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज कराया है। जब 2014 में प्रमोद तिवारी जब राज्यसभा भेजे गए तो इस क्षेत्र का जिम्मा उनकी बेटी आराधना मिश्रा ने उठाया और पिता के बनाए हुए रास्तों को और मजबूती देने का काम किया और उपचुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद 2017 में जब प्रदेश भर में मोदी लहर चल रही थी तो उस समय आराधना मिश्रा मोना ने ऐतिहासिक जीत दर्ज करके अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। 5वें चरण में यहां पर वोट पड़े थे, ऐसे में विपक्षी पार्टियां कह रही थी कि इनके गढ़ को ढा देंगी, लेकिन आराधना मिश्रा मोना का कहना है कि इस तरह के दावे हर बार चुनाव में कहे जाते हैं लेकिन विपक्षियों के ये दावे चुनाव परिणाम के आने के बाद धूमिल हो जाते हैं और यही हाल इस बार भी होगा। बस तब तक वो इंतजार करें। विधानसभा वासियों की माने तो आराधना मिश्रा मोना क्षेत्र के हर कार्यक्रम में सम्मिलित होती हैं और पूरी सक्रियता के साथ जनता के बीच में मौजूद रहती हैं। आराधना मिश्रा की माने तो वो कहती हैं कि पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार से प्रेम करती हूँ और मेरे परिवार वाले मुझसे। इसका नतीजा तो आप लोगों ने देखा ही होगा।
बता दें कि इस सीट पर साल 1980 में पहली बार प्रमोद तिवारी ने चुनाव जीता था। इसके बाद से चार दशकों से लगातार इस सीट पर उनका और उनकी बेटी का कब्जा रहा है। इसका सूरज जो 1980 में उदय हुआ था वो आज भी अपने चरम पर रहा है। ऐसे में अब देखने वाली ये बात होगी कि 10 मार्च को जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो इसके भाग्य का सूरज चमकता ही रहेगा या फिर अस्त हो जाएगा।